मेरे साथ रिटायर्ड टीचर्स मौजूद हैं जिनसे मैं आज बात करूंगा पेंशन को लेके और 200 पॉइंट रोस्टर के 13 पॉइंट रोस्टर हो जाने को लेके। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पेंशन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है और अब ये रोस्टर को 200 पॉइंट से 13 पॉइंट कर दिया गया है, इस पूरे मामले में? जहाँ तक सवाल है पेंशन के मुद्दे को लेकर के, मेरा नाम आर के भार्गव है, मैं दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग से रिटायर हुआ हूँ 31 दिसंबर 2017 को और लगभग मैंने 42 इयर्स उस कॉलेज में काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज है पूरा 100% दिल्ली यूनिवर्सिटी मेंटेन्ड कॉलेज है और टाइम टू टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑप्शंस दी थी कि जिसके अंदर कि आप ले सकते थे कि या तो आप पेंशन लें या आप जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड लें। तो हमने 1989 के अंदर जो ऑप्शन आई थी तो उस वक्त यूनिवर्सिटी को ऑप्शन दी थी कि हम पेंशन लेना चाहते हैं, तो उसके बावजूद भी सन 2014 तक तो जितने भी हमारे से बिल्कुल मिलते जुलते या बिल्कुल जैसे केस थे उन सबको पेंशन दे रही थी यूनिवर्सिटी। उसके बाद से अचानक कोई बात का पता नहीं है कि किस कारण से जिन्होंने 2014 के बाद से सब लोगों की पेंशन रोकनी शुरू कर दी। इस जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद मैंने कई लेटर्स कॉलेजेस को भी डाले हैं, यूनिवर्सिटी को भी डाले हैं कि हमारी पेंशन क्यों नहीं फिक्स की गई है, तो उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, रीज़न भी नहीं बता रहे हैं और पेंशन भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। जब ऑप्शंस यूनिवर्सिटी ने दी थी जो कि उन्होंने एक रूल फॉलो करके अपना किया था, तो ये उनका दायित्व है कि वो सबकी पेंशन को रिलीज करें। तो 2014 के बाद से जितने भी टीचर्स हुए कोई बिना कारण बताए उन्होंने हमारी जो है पेंशन रोकी हुई है। तो जब हमारी कोई इसके अंदर गलती नहीं है और एक पेंशन आप समझते हैं कि बुढ़ापे के अंदर एक आदमी की इनकम का सोर्स होता है, उसको ही रोक देना और वो भी लगभग 42 साल एक जगह काम करने के बाद भी, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं पता है कि हमने किस कारण से रोकी है? अगर है तो हमें कारण बताएं। और जब हमारे जैसी केसेस को 2014 तक दे रहे थे तो अब क्या नई बात आ गई है? तो ये पॉइंट जो है जिसके लिए कि मैं 2014 के बाद से टीचरों को रोक दिया उन्होंने और कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं। आप बताएं। मैं 93 में मैंने ऑप्शन दिया था, सरकार ने पूछा, यूजीसी ने पूछा कि भाई आप जीपीएफ चाहते हैं, तो हमने कहा हाँ, तो हमको जीपीएफ मिल गया, हमको जीपीएफ नंबर मिल गया। अब ये 93 में हुआ था, मैं अभी जनवरी 2019 में 21 जनवरी 2019 में यानी 26 साल बाद में अब मैं जब रिटायर हो गया, 41.5 साल की मेरी सर्विस है अपने पीजीडी कॉलेज में जहाँ पढ़ाता हूँ, तो अब मुझे बताया जा रहा है कि अब मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। अब 26 साल बहुत होते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी को प्लान इस रूप में किया कि हमको पेंशन मिलेगी, अचानक हमको पता लग रहा है कि पेंशन नहीं मिलेगी। हमने आरटीआई भी डाला, हमने बोला कि ये बताओ कि आप हमको पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने कहा देखो कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, कोई यूजीसी का सर्कुलर नहीं है, बस पेंशन नहीं मिल रही। मतलब यहीं तक आके सारी बात ख़त्म हो जाती है। मेरे एक मित्र हैं वो 2014 दिसंबर के आसपास वो रिटायर हुए और उनके घर में बहुत परेशानी है, अल्टीमेटली हुआ ही है, उनका बच्चा जो कैंसर से पीड़ित है, सारा पैसा उनका खर्च हो गया। अब उनकी हालत यह है कि वो मित्रों से पैसे मांगते हैं कि भैया कुछ पैसा दे दो। एक टीचर जो है जो समाज का निर्माता होता है उसको आपने इस हालत में छोड़ दिया, और ऐसा है कि 2000 टीचर ऐसे होंगे जिनको पेंशन मिल रही है। यदि मैं अप्रैल 2014 से पहले रिटायर होता तो मुझे कोई अपना दुख जाहिर करने के लिए सड़क पर आगे खड़ा नहीं होना पड़ता। सिर्फ बदकिस्मती यह है कि हम लोग अप्रैल 2014 के बाद जो है रिटायर हो रहे हैं। ये जो भारतीय संविधान है अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार है, आप एक हमारे साथ असमानता कैसे कर सकते हैं? इक्वालिटी तो खत्म ही होता नजर आ रहा है ही नहीं कहीं पर। ये तो अजीब, बहुत ही अजीब स्थिति है। 250-300 टीचर होंगे, ज़्यादा टीचरों को भी नहीं ऐसे जिनके पास जीपीएफ नंबर है और उनको जो है पेंशन नहीं दी जा रही। हाँ, मैं प्रभात दसवाना दयाल सिंह इवनिंग से रिटायर हुआ हूँ और दिसंबर 14 में रिटायर हुआ था। आप भी 2014? हाँ, 2014। तो तब से हमें पेंशन नहीं मिली है। मैंने 41-42 साल इस कॉलेज को दिए, यूनिवर्सिटी को दिए, इंस्टीट्यूशन को दिए, आखिरी दिन भी क्लास ली और मुझे इन्हें तो जो है भूगना पड़ रहा है कि पेंशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही वजह कोई नहीं बताई, जैसे इन्होंने बताया कि वजह है ही नहीं, वो तो बस
नहीं देनी है, नहीं सरकार की अपनी मनमानी है, नहीं देनी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की, हम सरकार की नहीं कह के यूनिवर्सिटी की मनमानी है, वाइस चांसलर की मनमानी है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हम झेल रहे हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे लगभग 300 के करीब हम लोग हैं। तो इसी तरह के धरने कब तक करते रहेंगे सर? अब जब तक नहीं मिलेगी करना ही पड़ेगा। आज तक तो हम आ नहीं रहे थे बाहर कि हो जाएगा, लेकिन जब कुछ हो ही नहीं रहा, मानवीयता का भी आधार नहीं लिया जा रहा, तो हम क्या करें, लाचारी हम, वरना क्यों आए। और इस एज में, जबकि 65 में हम रिटायर हुए हैं, 4 साल हो गए, 69 साल का हो गया हूँ, और हमें पेंशन एक 0 अमाउंट हमारे अकाउंट में आता है पर मंथ, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हर बार अकाउंट चेक करते हैं, 0 आ ही नहीं रहा। जिस दिन पेंशन आएगी उसी दिन तो आएगा। 200 पॉइंट से घटा के 13 पॉइंट रजिस्टर कर दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुसलसल धरना दे रहे हैं, कोई मांग पूरी हुई अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ पूरी नहीं हुई है, बल्कि और भी उलझा दिया गया है मामला। देखिए, ऐसा है कि 13 पॉइंट करके उसके बाद पहले जो सरकार बोल रही थी कि हम इसमें ऑर्डिनेंस लाएंगे, बिल लाएंगे, लेकिन वो उससे वो पीछे मुकर गई है। अब वो चाह रही है कि किसी तरह से इसको हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में, ये वर्चुअली टाइम बाई करने की बात है, और कुछ नहीं करना है, ना अपॉइंटमेंट करने का इनका मनसा है, ना एब्जॉर्प्शन करने का मनसा है। तो हमें इस तरह से लगता है कि काफ़ी दिन तक अभी और स्ट्रगल करना पड़ेगा, और हम तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि हमारी डिमांडें, ये जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे, सब एब्जॉर्ब नहीं हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन तभी संभव है जो 200 पॉइंट रोस्टर है हमारे पास अभी आज के तारीख में, उसी के तहत सारा का अपॉइंटमेंट है। एब्जॉर्प्शन तभी हो पाएगा जब ये 200 पॉइंट जो है सो रिस्टोर होगा। तो बस हम ये चाह रहे हैं, 13 पॉइंट पर ला दिया उसको घटा के, तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं? नहीं देखिए, अगर 13 पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 13 पॉइंट का रोस्टर चल रहा है, लेकिन उनका सिचुएशन अलग होता है। उनका होता है कि डिपार्टमेंट में लाखों लोगों का रोस्टर, टीचर एम्प्लॉइज होते हैं, तो वहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में है, डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में 1 या किसी डिपार्टमेंट में 2, किसी डिपार्टमेंट में 10, उस केस में जो है रिजर्वेशन का जितने भी हैं उनके 22.5% या 15.5% या 7.5%, वो पूरा नहीं हो सकता है, अगले 100 साल तक पूरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये इनजस्टिस है, इनफैक्ट ये डिनायल है, डिनायल जो राइट है लोगों का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका डिनायल है। देखिए, आज का जो ये प्रोटेस्ट है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ है। बीजेपी की नीतियाँ हमेशा से आरक्षण विरोधी रही हैं। वो पिछले समय से आप देखते हैं, SC ST एक्ट को हटा के लाए, हटाया, फिर लाए, अभी इन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर को एक कोर्ट के माध्यम से लेके आ गए, और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये लोग ऑर्डिनेंस या बिल लाएंगे पार्लियामेंट में, बट नहीं लाए हैं। 200 पॉइंट रोस्टर अगर नहीं रहेगा तो जो SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में बहुत कम संख्या में प्रोफेसर होते हैं, तो प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो कि पार्लियामेंट से एक प्रेस्क्राइब परसेंटेज है वो मीट नहीं करता है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ रही है, लेकिन 10% आरक्षण की बीजेपी, ये भी धोखा है। 10% आरक्षण दे रहे हैं, अगर 200 पॉइंट नहीं है तब भी उनके लिए मीनिंगलेस है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, स्वर्ण को बहकाने के लिए कि हम दे रहे हैं। अगर 13 पॉइंट आएगा तो उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा सर्तिया, तो 200 पॉइंट ही इसका एक मात्र इलाज है। ये उसी से कोई कनेक्शन है इसका? मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्णों को वोट लेने के लिए एक तो ये तरीका है कि 10% दे दिया जाए और 13 पॉइंट लेके आए, ताकि अगर नहीं भी होता है तो सीट अल्टीमेटली तो अनरिजर्व भी बन जाती हैं, तो नेट फायदा तो हर हालत में स्वर्ण का ही है इसमें। ये रिटायर्ड टीचर्स इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, जिनकी परेशानियाँ आप तक हमने पहुँचाई। 2014 में जो टीचर्स रिटायर हुए हैं उनको अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली है, और आज ये मजबूरी है इनकी कि ये सड़क पर मौजूद हैं और धरना दे रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी। लेके रहेंगे, प्रमोशन तो हम लेके रहेंगे।
पेंशन तो हम लेके रहेंगे।